अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू स्मार्ट वॉच एप्पल लोगो के अंदर। ये समझ लें कि अभी तक की सबसे बेस्ट वॉच मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। HT99 जैसे HT99 थी वैसे ये वॉच है। इसका मॉडल नंबर है ZQ100। इसकी पैकेजिंग है पूरी लग्जरी पैकेजिंग में आती है ये, और ये आप चेक करें बिल्कुल ब्लैक कलर के अंदर इसका लुक दिया हुआ है। सीरीज 6 लिखा हुआ है इसमें अल्मोनियम केस के अंदर। इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा इसका लुक है। अगर आपने ओरिजिनल एप्पल की वॉच ली होगी सीरीज 6 या सीरीज 5 जो भी ली होगी उसमें नाइकी एडिशन जो आता है ना वो इस ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है। इसी तरीके की पैकेजिंग के अंदर ना। तो ये इसके साथ इसका ये आया हुआ है, इसमें वॉच वगैरह होती है। जूम फिक्स आपको नज़र आ जाए। सीरीज 6 एल्युमिनियम केस, इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। ये इसका मॉडल नंबर है ZQ100, ठीक है, ये आप देखें। और वही WWFit एप्लीकेशन है। अच्छी बात यह है कि जितनी भी अब वॉचेस आ रही हैं लोगों वाली इसमें ये एप्लीकेशन दे रही है, क्योंकि ये एप्लीकेशन सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। कोई इसमें कंप्लेन नहीं है, कोई इनका सर्वर वगैरह डाउन नहीं होता है, प्रॉपर इजीली कनेक्ट हो जाती है ये, और कोई इसका रोला भी नहीं है, बहुत ईजी कनेक्ट करती है। कोई आईडी वगैरह भी बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। ये आप बहुत ईजीली जो है इसको डाउनलोड करके किसी भी अपने एप्पल स्टोर iOS स्टोर से, और या तो अपने क्या कहते हैं गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करके ईजिली कर सकते हैं। और ये इसके साथ देखिए, इसके साथ वायरलेस चार्जर आया हुआ है, मैग्नेटिक वायरलेस चार्ज, मतलब मैग्नेट इसकी जगह कोई इसमें मतलब नक्के वगैरह नहीं है, बस डायरेक्ट आपने रखना है इस HT99 के अंदर है। और यहाँ पर रेड लाइट जलेगी, और ग्रीन लाइट जलेगी जब आप इसको चार्ज पर लगा देंगे तो ये ग्रीन लाइट जला देगा, रेड लाइट जला देगा, ठीक है। ये इसके साथ आता है और ये हमारी वॉच है। बहुत अच्छी वॉच है। बटन भी इसका ये वाला वर्क करता है, सेकंड बटन क्राउन बटन भी वर्क करता है, एप्पल लोगो भी आता है। और ये इसकी वॉच का डायल है, ये आप इसके देखें, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग है। ये देखिए फुल सीरीज 6 वाला इसमें वो दिया हुआ सेंसर वगैरह, ब्लड ऑक्सीजन वगैरह, थर्मोमीटर वगैरह, ECG वगैरह, ये सब है इसके अंदर ना। तो इसको अभी रखते हैं साइड में। अब हम लोग इसका स्ट्रैप वाला हिस्सा खोल के चेक कर लेते हैं। ये आ गया है इसका सिलिक, इसमें एक स्ट्रैप आता है सिलिकॉन स्ट्रैप आता है इसके अंदर। HT99 के अंदर दो आते हैं, इसके अंदर एक आता है। ये देखिए ये स्ट्रैप आ गया। अब इसको लगा के मैं आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने इसके ऊपर लगा दिए, स्ट्रैप्स वगैरह लगा दिए। अब आप इसका लुक चेक करें, बहुत अच्छी वॉच है ये, मेरी नज़र में सबसे बेस्ट वॉच अभी तक की है, और अच्छे बजट की वॉच है ये, मतलब बहुत इसका कम बजट में HT99 से सस्ती है ये, और HT66 से ये बेहतर वॉच है, मतलब उससे अच्छी वॉच है और उससे कम के अंदर भी है ना। तो मैं इसको ऑन करके अब आप इसको उसका लोगो वगैरह चेक करवाता हूँ। ये लोगो चेक करें, बिल्कुल प्रॉपर इसका अच्छा लोगो है, और ये पुराने सैमसंग की तरह, जैसे सैमसंग के मोबाइल पहले होते थे जो आते थे S2, S1, S3 वगैरह, उसमें ऐसे जब सैमसंग ऑन होती थी तो आवाज़ आती थी। खैर ये रहा इसका लुक, एप्पल लोगो मैंने आपको उसका दिखा दिया है। और ये नया सबसे लेटेस्ट आप देख रहे होंगे कि जो अभी वॉच लॉन्च हुई है एप्पल के इवेंट के अंदर, उसमें यही वाला वॉलपेपर चल रहे हैं। बिल्कुल अच्छा इसका ब्राइट डिस्प्ले है, और कलर क्वालिटी भी काफ़ी इसकी अच्छी है। आप ये खुद चेक करें, मैं काफ़ी आपको करीब से दिखा रहा हूँ तो आपको ज़रा पता लगे, बहुत अच्छे इसके कलर्स हैं ना। और उसके मैं आपको वॉलपेपर्स वगैरह दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले तो इसका वॉलपेपर देखें, इसमें बैटरी भी बता रहे हैं, इसमें आपका ब्लड प्रेशर भी बताएगा, यहाँ से म्यूज़िक वगैरह डायरेक्ट एक्सेस कर लो, यहाँ से आपकी सारी फिटनेस की रिपोर्ट आएगी जो भी आप स्टेप्स वगैरह लेते हैं ना। तो भाई ये एक पहला था वॉलपेपर, इसका क्राउन हमने घुमाया, दूसरा आया है वॉलपेपर, ये थर्ड वन है एनिमेशन वॉलपेपर, ये फोर्थ है ये भी एनिमेटेड है, ये फिफ्थ है ये डिजिटल वॉलपेपर है जिसमें आपको आवर मिनट्स वगैरह, ये काफ़ी अच्छा वॉलपेपर है, ये भी बैटरी बता रहा है इसमें।
और ये ST22 वाला जो हमने इससे पहले वॉच ST22 की थी उसमें भी ये वॉलपेपर था। और ये ट्रांसफार्मर का है एडॉप्टर, एनिमेटेड वॉलपेपर, और ये काफ़ी अच्छा वॉलपेपर है, ये भी बेस्ट है। ये ST99 के अंदर भी ये वाला वॉलपेपर वो करता है। और ये एक इमोजी वाला है, ये भी अच्छा है काफ़ी। ये काफ़ी मैं दिखा रहा हूँ आपको, काफ़ी मेरे ख्याल से इसमें 15 15, हाँ ये भी देखें काफ़ी अच्छा, मतलब तो बहुत इसकी जो है कलर क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये भी जो अभी वॉच लॉन्च हुई है एप्पल की, उसके अंदर भी वाला नया वॉलपेपर है जो इसमें दिया हुआ है, बाकी ये वही वाला वॉलपेपर आ गया। ठीक है, और क्या है भाई इसके अंदर, और इसका हम लोग स्वैप डाउन वाला करते हैं, ये चेक करें। ST99 ST66 वाला है, ये सब चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। इसको क्रॉल किया, ये वाईफाई की कनेक्टिविटी, सॉरी वाईफाई बोल रहा हूँ, ये मुझे जान दो वाईफाई का, लेकिन ये कनेक्टिविटी का इंडिकेटर है। ठीक है, ये बाकी इसमें जो नई चीज़ है वो काफ़ी वो ये है, पहले मैं आपको इसका जो स्मार्ट जो मेन इंटरफेस है जो एप्पल की तरह आता है वो दिखाता हूँ। इसको हम लोग इसको ये दबाएंगे तो ये आ जाता है इंटरफेस, और ये जूम इन दोनों स्क्रॉलिंग पे करता है, जूम इन जूम आउट सम दोनों करेगा ये ना। और इसका आप सिर्फ स्मूथनेस चेक करें, बहुत ज़बरदस्त इसकी स्मूथनेस है, बहुत अच्छी इसकी स्मूथनेस है, मतलब कोई लैगिंग वगैरह नहीं है इसके अंदर ना, कोई लैग नहीं करता ये। ये इसका स्मार्ट स्टाइल मेन्यू है, इसके अंदर बहुत से नए स्मार्ट स्टाइल मेन्यू दिए हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये 9 ऐप वाला है, इसको हमने दबाया, ये तो हर वॉच के अंदर जो हम एप्पल लोगो लगाते हैं ये वाला आता है। दूसरा जो मैंने आपको स्मार्ट स्टाइल वाला भी बताया था उससे पहले, ये थर्ड वन जो इन्होंने लेटेस्ट डाला है वो ये वाला है, ये चेक करें, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे आपको शो करेगा आराम से ना, मतलब इस तरीके से आप करेंगे तो ये इसका एक न्यू मेन्यू स्टाइल है ना, ये मैंने आपको दिखा दिया। और इसके बाद ये 8 ऐप्स वाला देखें, 8 ऐप्स के अंदर ये काफ़ी अच्छी इन्होंने चीज़ दिखाई है, थोड़ी लाइट्स मेरे पास वाइट कलर की जो ऑन है इसी वजह से कलर प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे। अब आप देखें काफ़ी अच्छा ये वॉलपेपर है, बहुत इजीली स्क्रॉलिंग हो रही है इसमें, कोई मसला नहीं आपको, मतलब यूज़र फ्रेंडली इतनी है कि आपको हर चीज़ नज़र आ रही है। हर आप स्क्रॉलिंग के ऊपर आपको सबसे पहले तो वेदर बता रहा है, फिर स्टेप बता रहा है, आप जितना करेंगे बाकी इसके साइड में जो भी आप ऑप्शंस है यू कैन क्लिक ऑन दैट। आप उसके बाद फिर ये देखते हैं 12 ऐप्स वाला, 12 ऐप्स के अंदर हमारे पास ये आ जाता है, गैलेक्सी वॉच 3 आपने देखी होगी उसके अंदर ये स्क्रॉलिंग वाला होता है, ये ऐसे हम घुमाएंगे और ये आता रहेगा, ऐसे भी कर लो और या तो ऐसे भी कर लो। ये देखिए ये इसमें जो मेन्यू स्टाइल दिए हुए हैं ये काफ़ी अच्छे इन्होंने मेन्यू स्टाइल दिए हुए हैं। हम इसको स्मार्ट स्टाइल पर वापसी कर देते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादातर वही अच्छा लगता है, आई एम श्योर कि आपको भी वही अच्छा लगेगा मोस्टली। बाकी ये इसका ऑप्शंस वगैरह हैं सारे, सीरी वगैरह, बाकी ये टेम्परेचर वगैरह है सब, थर्मोमीटर वगैरह जो होता है सब चीज़ें हैं इसमें, ये सीरी वगैरह का ऑप्शन है, और ये वॉइस रिकॉर्डिंग का है, ये इसकी अंदर इसके फाइल का ऑप्शन है, मतलब मज़ीद आप जो है इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे वॉइस वगैरह की वो भी है। ये इसका उसका था क्या कहते हैं काम गया भाई, वेदर का टेम्परेचर वगैरह का था, जो वेदर वगैरह की अपडेट आती है ना ये वो है। और क्या है भाई बाकी कॉलिंग वगैरह है इसके अंदर, ये सोशल जो नेटवर्क की सारी कनेक्टिविटी है इसके अंदर, और ये भी देखिए ये हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, आपका हार्ट रेट बताएगा, इसको क्लिक किया और ये करने लग गया ना। बाकी इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी इन्होंने अच्छे गेम्स भी दिए हुए हैं, ये देखें, एक तो ये बी वॉर वाला गेम है, ये ऐसे ऐसे मारने वाला गेम है, इसको पीछे किया हमने, दूसरा लगाया फ्लैपी बर्ड, तो आप लोगों ने देखा हुआ अल्टीमेट रेसिंग कौन सा गेम है ये देखते हैं भाई, ये भी काफ़ी अच्छा गेम है भाई। और कौन सा गेम है भाई इसके अंदर, स्टिक हीरो, ये भी एक और गेम है,
अच्छा ये भी काफ़ी अच्छा गेम है वो, मतलब फ्लैपी बर्ड की तरह ये भी। तो ये इसमें इसमें गेम्स वगैरह हैं, बाकी और मज़ीद मैं आपको इसकी सेटिंग्स वगैरह में दिखा देता हूँ। ये नॉर्मल इसका डिस्प्ले वगैरह भी है, ब्राइटनेस इसकी 5 पे हुई हुई है, इसको 4 पे कर देते हैं। अच्छा वो ब्राइट इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। बाकी ये इसकी एप्स हैं और ये इसका मॉडल नंबर वगैरह की डिटेल्स हैं, ZQ100 है और ये 28/7/2021 की वॉच है, अभी समझ लो कि रिलीज़ हुई है ये। बाकी इसको दबाएंगे तो हम पीछे आ जाएंगे इसके। बाकी मैं इसको आपका राइस टू अवेक का ऑप्शन चेक करवाता हूँ कि वो कितना इफेक्टिव है, कितना रिस्पॉन्सिव है। राइस टू अवेक ऑप्शन को ऑन करने का, ST की जितनी भी सीरीज़ है ना उसके अंदर, वो सेटिंग के अंदर नहीं होता है, इसके मेन्यू जो होता है ना उसी के अंदर होता है, जो ये इसका इंटरफेस है ना इसके अंदर आपको इधर से जाके ऑन करें। वेन एवर यू सी ये थंब एक्शन देखेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये थंब वाला एक्शन है, इसको पीछे करते हैं। ये थंब वाला जो ऑप्शन है ना इसके अंदर जो है आपको, एक मिनट, ये मेरा हाथ बार बार लग रहा है इसमें, इसको आपने ओपन करा, ये वेकअप गेस्चर है, ये ऑन कर दें इसको, तो ये ऑन हो गया, मतलब ऑन किया हुआ है मैंने। तो अब मैं आपको इसको पहन के दिखाता हूँ और फिर इसका राइस टू अवेक हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। तो ये मैंने इसको थोड़ा साफ करी है स्क्रीन, अब इसका हम लोग चेक करते हैं राइस टू अवेक कि कितना इफेक्टिव है। ये हमने नीचे किया और ऑन किया, ये फिर हमने नीचे किया, ये ऑटो लिफ्ट ऑन है, ऑटो लिफ्ट ऑफ है। लिफ्ट तो मैंने नीचे किया तो ऑफ हो गया, ये मैंने नीचे किया ऑफ हो गया, ये मैंने ऊपर किया और ये वेकअप गेस्चर ऑन हो गया। काफ़ी अच्छा इसका वेकअप गेस्चर है, बहुत रिस्पॉन्सिव है क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है इसका। आपने इसके जो है क्या कहते हैं उससे भी चेक कर लिया होगा, क्या कहते हैं इसके जो इंटरफेस है, मैंने आपको मेन्यू सेल दिखाया था। तो ये वॉच थी, मैंने आपको इसका रिव्यू दिखा दिया है। काफ़ी इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो सबसे मेन चीज़ जो है वो इसका लोगो था और ये इसका एक इंटरफेस मेन्यू था, इसके जो 5 मेन मेन्यू स्टाइल्स हैं वो थे, ठीक है। वॉलपेपर्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छा इसमें, मतलब डिस्प्ले बहुत इसका अच्छा है, मुझे डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा लगा है। ये इसका मेन मेन्यू है, अब हम इसकी वो चेक करते हैं, ये तो वाइब्रेशन वगैरह देखें। अब हम इसकी वायरलेस चार्जिंग का चेक करते हैं ना, तो ये हमने इसका वायरलेस चार्जर जो है इसके डब्बे से निकाल लिए। अब इसको हम लोग, काफ़ी बड़ी वायर है इसकी, मेरे ख्याल से शायद 1 मीटर तो होगी। ये वायरलेस चार्जर को हमने रखा, कोई भी ये डॉक आपके पास होगा उसमें आपने लगाया। ये इसमें इंडिकेशन आ जाएगा, देखें ये लाइट आ रही है ग्रीन कलर की, मीन्स के ये पावर आ गई है इसमें। अब जब इस पर रखेंगे हम लोग क्या कहते हैं वॉच को, तो ये रेड हो जाएगी। ये देखें चार्जर कनेक्टेड हो गया और ये रेड लाइट इसकी जलने लगे, और ये देखें बिल्कुल जैसे ओरिजिनल एप्पल वॉच में आप वायरलेस चार्जर कनेक्ट करते हैं ना, तो उसमें जैसे ही जो है स्टैंड बाय, मतलब जो है क्या कहते हैं ऑलवेज ऑन वाला जो एक स्टैंड बाय ऑन होता है ना बैटरी का, सिग्नल के साथ टाइम भी दे रहा होता है, तो ये ऐसे शो करेगा। अब इसको घुमाओ, ऐसे ऐसे करो, कुछ भी करो, ये वायरलेस कनेक्टिविटी के ऊपर है तो ये इजीली इसको चार्ज करता रहेगा। इसकी बैटरी टाइमिंग है तकरीबन मेरे ख्याल से 380 mAh की बैटरी, इसकी 30 mAh ज़्यादा है। अमूमन जितनी भी वॉचेज़ मैंने इससे पहले आपको दिखाई हैं, समझ लें कि ईजीली आपको ये स्टैंड बाय का 24 आवर्स देगी, और अगर आप इसको कनेक्ट करके रखेंगे तो इट विल गिव यू लाइक 10 to 12 आवर्स, 10 से 12 घंटे आपको देगी बेल्ट टाइमिंग में। तो ये थी ये वॉच ना, इसकी मैंने वॉलिस चार्जिंग भी आपको चेक करवा दी है, इसका रिव्यू भी मैंने दे दिया है। ST 66 एक अच्छी वॉच है, ये इसे बटन भी है, सब चीज़ें हैं, ST 99 जैसी ही वॉच है। ST 99 के अंदर 20 वॉलपेपर हैं, उसका स्क्रीन 1.78 इंच बड़ी, इसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है वो, और ये 1.75 इंच है, स्टैंडर्ड है, अच्छी है,
चीज़ हाथ में पहने में अच्छी भी लगती है। तो अगर आपको ये वॉच चाहिए तो ये आपको इजीली PKR पाकिस्तानी जो रुपीज़ है वो 5,500 में मिल जाएगी, सिलिकॉन स्ट्रैप, ये जो स्ट्रैप लगा हुआ इसके साथ। बाकी अकॉर्डिंगली अगर आपको इसके साथ मैग्नेटिक चेन चाहिए, जो कि मैग्नेटिक लूप चेंज होती है, वो 500 रुपीज़ उसके लिए और कर दें, साढ़े 5,000 रुपये की इसके साथ सिलिकॉन, तो उसके साथ 6,000 में मिल जाएगी। स्टेनलेस स्टील चाहिए उसके लिए 1,000 रुपये और ऐड कर दें पाकिस्तानी, ये अभी के हिसाब से रेट हैं। जैसे थोड़ा अगर काफ़ी टाइम बाद देखेंगे तो रेट ज़ाहिर सी बात है या तो कम होंगे या तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ डॉलर के रेट काफ़ी ऊपर हो रहे हैं तो इसी वजह से रेट में भी काफ़ी इंक्रीज़ आएगा। तो अभी मैंने आपको रेट दे दिए तो आप ये चेक कर लीजिएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यहाँ मैं लगा दूँगा सब्सक्राइब का, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।